सुभाष जी, छोटा सा गीत है जो चंद्रावती माता जी द्वारा लिखित है। पूज्य माता जी के ही संदर्भ में माता जी के प्रति कुछ भी कहा जाए उसकी कोई भी बड़ाई नहीं चल सकती है, कोई बड़ाई नहीं कह सकते हैं, बस उनकी गरिमा ही सब कुछ है। हम ज्ञानमती माता को वंदन करते हैं, हम ज्ञानमती माता को वंदन करते हैं, निज श्रद्धा पुष्प चरण में अर्पण करते हैं। ये माँ है सारे जग की गणनी माँ है, इस वसुधा की इनकी छवि ऐसी लगती है, शारद माँ जैसी लगती है। ये माँ है सारे जग की, ये बाल ब्रह्मचारिणी जगत माँ कहलाई, ये अपनी माता की भी माता कहलाई, ये तो करुणा की मूरत है माँ, सरस्वती की सूरत है। ये माँ है सारे जग की गणनी माँ है, इस वसुधा की रच दिए सर्वाधिक ग्रंथ ज्ञान की गरिमा से, पूजा विधान है प्राप्त तुम्हारी महिमा से। ये शिव पद साधन करती है, श्रुत ज्ञान आराधन करती है। ये माँ है सारे जग से, ये संघर्षों से कभी नहीं घबराती है, ये संघर्षों से कभी नहीं घबराती है। चंदना तभी ये शीघ्र विजय पा जाती है, ये शूल को फूल बनाती है, जग को अनुकूल बनाती है। ये माँ है सारे जग की गणनी माँ है, इस वसुधा की। जबली आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संसार की वह विभूति हैं जिन्हें इतिहास में युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। आज प्रत्येक प्राणी जानता है कि इन्होंने चेतन और अचेतन कितनी निधियाँ इस संसार के लिए प्रदान की हैं। भारतीय संस्कृति के साहित्य भंडार को ऐसा समृद्ध किया है कि शायद ही कोई कर पाए। महावीर शासन की ये प्रथम लेखिका साध्वी जिन्होंने संस्कृत प्राकृत हिंदी में 500 से अधिक ग्रंथों को लिख करके और एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो महानुभाव ऐसे उन माता जी के 71वें संयम दिवस को हम लोग शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 31 जुलाई से कार्यक्रम शुरू हुआ और 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को 71वां दिन हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, जब 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय कार्यक्रम पूज्य माता जी के 89वें जन्म जयंती महोत्सव का, 71वें शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का यानी संयम दिवस का एवं दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान जिसने स्वर्णमयी कार्य किए हैं, जम्बूदीप की रचना हो, चाहे बड़ी मूर्ति बनाने का काम हो और चाहे कुंडलपुर महावीर भगवान की जन्मभूमि की रक्षा करने का और तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास का कार्य बहुत ही द्रुत गति से बहुत सक्रियता के साथ करके आपके समक्ष प्राचीन धरोहरें उपस्थित की हैं। ऐसे ही दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान ने अपने 50 साल पूर्ण किए हैं, तो स्वर्ण जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
आप सबको स्वामी जी प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं कि आपको 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हस्तिनापुर में रहना है और आने के लिए अभी से रिजर्वेशन करा लेना है। जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना और महापूजा महाअभिषेक करने का ये स्वर्णिम अवसर होगा, जब 78 भगवान के पास 78 इंद्र इंद्राणी खड़े होकर के और ये नज़ारा प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे तमाम निधियों को देने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के इस रिद्धि सिद्धि महोत्सव के अंतर्गत अब हम चलते हैं। आज 45वें रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं। 64 रिद्धियों में से 45वीं रिद्धि है अघोर ब्रह्मचारित्व, अर्थात पूर्ण शांत भाव से आत्मा में चर्या करते हैं, आचरण करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का, निर्दोष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनके निमित्त से जगह जगह दुर्भिक्ष कलह रोग ये बैर आदि टल जाते हैं। ऐसे अघोर ब्रह्मचारी महामुनि के नाम का मंत्र स्मरण करते हुए अपनी आत्मा के अंदर भी शांति, ब्रह्मचर्य के पालन की निर्दोषता और भावना को करते हुए प्रारंभ करती हूँ अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि का जाप। जय लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम रिम अघोर ब्रह्मचारित्व तपारिद्धि नमः। 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 ओम रिम अघोर ब्रह्मचारित्व तपारिद्धि नमः।
ओम नम अघोर ब्रह्मचारि तपारी दिए नम स्वाहा ओम नम अघोर ब्रह्मचारि तपारी दिए नम स्वाहा ओम नम अघोर ब्रह्मचारि तपारी दिए नम स्वाहा ओम रेम 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 अघोर ब्रह्मचारि तपारी दिए नम ओम रेम अघोर ब्रह्मचारि तपारी दिए नम स्वाहा 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 ओम रेम अघोर ब्रह्मचारि तपारी दिए नम 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 सम्यक दर्शनाय नम सम्यक ज्ञानाय नम सम्यक चारित्राय नम स्वाहा। जब लो शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ये 64 रिद्धि मंत्र में से 45वें रिद्धि मंत्र की जाप हुई। ये 7 तप रिद्धि के भेदों में आज परिपूर्णता हुई। अब कल हम बल रिद्धि की जाप करेंगे, मनोबल रिद्धि के लिए, कि आपका मनोबल अच्छे से सब कार्यों के लिए बढ़ता चला जाए। अब हमारे बीच में रिद्धि सिद्धि की प्रतीक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। उनके मंगल पूजन के लिए सभी लोग तैयार हैं। जूम चैनल और पारस चैनल से सैकड़ों हजारों लोग पूज्य माता की पूजन करके गुरु भक्ति का पुण्य संचित करते हैं। तो आज के पूजन करता हैं श्री अनिल कुमार जैन, कल्पना जैन, मोनिका जैन, मंचल जैन, मुस्कान जैन, पारस जैन, टिकैत नगर, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि से। आप सभी लोग पूजन की सामग्री तैयार करके और बड़े ही समर्पण भाव के साथ बैठे हुए हैं। इनके साथ में सभी लोग पूजन के लिए तैयार रहेंगे। बस इससे पहले हम एक लकी ड्रा का प्रश्न करते हैं। आप सब लोग उसका उत्तर चैट बॉक्स में लिखना और जयमाला से पहले हम उत्तर देने वाले विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। प्रश्न और अपने नाम और फ़ोन नंबर सहित, पूरा पते सहित उत्तर आप दीजिएगा तो ही आपका चयन हो सकेगा। अपना पता लिखें, अपना नाम लिखें और टेलीफोन नंबर लिखिएगा। आज का प्रश्न सुनिएगा। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताई ने सप्तम प्रतिमा और ग्रह त्याग व्रत कहाँ पर ग्रहण किया था, उस स्थान का नाम लिखना है। कहाँ पर इन्होंने ग्रह त्याग किया था, सप्तम प्रतिमा ग्रहण की थी, उस स्थान का नाम लिख करके भेजना है। और कल हम पहली
वालों के विजेताओं के नाम बताएंगे, जो वर्ग पहेली कल हमने पूछी थी, और कल हम नई पहेली आपके पास में लेकर के आएंगे। तब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी जिनकी, पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दीव देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं, सन्नदिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता, अत्र अवतरत समुष्टावानं, अत्र तिष्ठति ठाटा, अत्र मम सन्नीतो भवो षट् सन्निधि करणम स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तब पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख शिकानित मात्र जलम निर्पामिति स्वाहा, चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मैं। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञान त्वाते चंद्रम निर्पामिति स्वाहा, जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञान त्वाते अक्षतम निर्पामी थी स्वा, कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लगवाय में ही तपा दिया, इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम युग प्रवर्तिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानित मात्र पुष्पम निर्पामिति स्वाहा, मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम साहित्य वारिधि गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानित मात्र नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा, विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। रथ का दीपक लेकर माता हम करते सब प्रण मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम ज्ञान वारिधि गणिनी प्रमुख ज्ञानित मात्र दीपम निर्पामिति स्वाहा, कर्मों ने ही अब तक मुझको ये भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सन्मुख हम करते सब पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख ज्ञान प्यात्र धूपम निर्पामी थी स्वाहा, कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है,
तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। सब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे, यह मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम ज्ञान ज्योतिरथ प्रवर्तिका गणिनी ब्रह्मक्ष ज्ञानी मात्र फलम निरपामी ती स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रविका थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के हो, युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रे 500 ग्रंथों की लेखिका अमृत निरझरणी गणिनी प्रमुख गणित मात्र अर्घ्यम निरपामी ती स्वाहा। शांत शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब संगीतमयी भक्ति करेंगे आप जयमाला में, और उससे पहले आपको जान लेना है आज का सही उत्तर। आज हमने प्रश्न किया गणनी ज्ञानमती माता ने सप्तम प्रतिमा और ग्रह त्याग कब किया, सप्तम प्रतिमा कब ग्रहण की और ग्रह त्याग कहाँ ग्रहण की। 12 बंकी में इन्होंने ग्रहण की थी सप्तम प्रतिमा और ग्रह का त्याग किया था, तो 12 बंकी नाम सही है, बहुत सारे लोगों ने लिखा। उनमें से संदीप जैन सहारनपुर वालों को आज पुरस्कार विजेता बनने का सौभाग्य मिला है। संदीप जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और महिलाओं में श्रीमती रेणु जैन महमूदाबाद जिला सीतापुर अवध में उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप सब लोग अपने अपना नाम और पेटीएम नंबर चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेजिए। रेणु जी आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये टिकैत नगर की बेटी हैं और महमूदाबाद में ब्याही हैं, वर्तमान में लखनऊ में निवास करती हैं। अपने पोते पोतियों को भी खूब धर्म में संस्कारित करती हैं। अब चलिए भक्तिमयी संगीत के साथ जय माला शुरू करें। कर्मों ने ही अब तक मुझको ये भव भ्रमण कराया है। तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म धैनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है। तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे, यह मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरुपामिते स्वाहा। वंदे मातरम धर्म प्रेमियों करो वंदना, विदुषी संत मान की ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम पिच्छिक मंडल धारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रविका थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन करते रे सम्मुख हम करते तव पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म धैनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है। तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे, यह मेरा मन है। तेरी पावन प्रति
प्रतिभा लखिक मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपा।